जो समस्या है वह किसी से छुपी नहीं है। आदरणीय एडीएम साहब भी सुन रहे हैं, तोड़ ना जाए, मध्य प्रदेश का हाल ले, रीवा जिले का हाल ले, आप किस पार्ट पे चले जाए, उस पार्ट पे हजारों के हजार सारे रीवा मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता दें। मध्य प्रदेश में आवारा मवेशियों को लेकर दिन प्रतिदिन किसानों की समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, जिसके संबंध में आज रीवा जिले के हनुमना एसडीएम कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल सैकड़ों की संख्या में किसानों ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन पत्र सौंपा। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के संभागीय मंत्री सुनील मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने हनुमना एसडीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर शासन से मांग की है कि जल्द से जल्द गौवंश की रक्षा के लिए संचालित गौशालाओं में तथ्यात्मक जांच कराई जाए एवं एरा प्रथा पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। एसडीएम महोदय को मैं गौ माहौर है, गौवंश, गौ हत्या और गौशाला संचालित नहीं है, गौ हत्या हो रही है, इसी संबंध में एसडीएम साहब को मैं 6 तारीख को ज्ञापन दिया था और आज यही उनको मेरा कि भाई मेरी मांग है कि भाई MPRDC को के ऊपर कार्रवाई हो, वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है, गौशाला एक भी संचालित नहीं है, मतलब टोटल घोटाला चल रहा है। इसी के माध्यम से मैं आज यहाँ धरना प्रदर्शन करने आया था। यहाँ आपके साथ आश्वासन दिया गया है कि मैं बोले कि 9 गौशाला मैं संचालित करवाया हूँ, लेकिन फिर भी 9 गौशाला चल नहीं रही है, तो बोले हैं कि मैं देखता हूँ, अगर 9 गौशाला में फिर से देखेंगे अपने तरीके से। किसानों के द्वारा अपनी अन्य विभिन्न समस्याओं को लेकर SDM को ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया। वहीं SDM के द्वारा सभी को आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द उनके समस्याओं का निराकरण प्रशासनिक स्तर पर कराया जाएगा। रीवा मध्य प्रदेश से विजय तिवारी की रिपोर्ट, R9 भारत के लिए। विभिन्न विषयों के संबंध में बजरंग दल के ओर से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और उनकी कुछ मांगे हैं, तो उन मांगों के संबंध में हम विचार कर रहे हैं कि इसमें प्रशासनिक तौर से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से जो एरा प्रथा है वो एक सामाजिक समस्या है। अभी किसानों के खेतों में फसल है बावजूद इसके वही किसान अपने मवेशी को छूट दे रखे हैं, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं किसानों की फसल भी वो मवेशी नुकसान कर रहे हैं और इसके साथ साथ वो गांव के प्रमुख मार्गों पर बैठे रहते हैं या वहाँ झुंड बना करके खड़े रहते हैं, जिससे तेज रफ्तार वाहन से दुर्घटना भी होती है। सर, हमारा पशुओं को क्या है कि अगर आप एक दो मामला हो, 10-20 मामला हो, तो आप त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। इस तरह से वो घूमते रहते हैं कि वहाँ पर यह एसर्टेन करना कि मवेशी किसका है, इसकी पहचान स्थापित करना, ये एक समस्या का विषय है। उसमें जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हमारे क्षेत्र में निश्चित रूप से कराई जाएगी।